hey viewers, welcome to my channel, the Wild Stallion Vlogs, and this is our Wild Stallion Rider Group. और हम लोग आज फिर से निकल चुके हैं 4 days ट्रिप के लिए. अभी जा रहे हैं नामेरी और हम लोग अभी है खानापारा में. सो इधर से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए. सो लेट्स गो. सो ये है टिडबिट होटल और यहाँ पे हम लोग अभी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर अपना जर्नी सामने का कंटिन्यू करेंगे. लेट्स गो. सो ये है अपना आज का खाना का और तड़का और अंडा भुर्जी और साथ में तंदूरी रोटी. तो अभी खाना स्टार्ट करते हैं. काफ़ी दूर जाना है इधर से. तो लेट्स स्टार्ट. अरे साथ हो जाना. तो दिस इज राहुल. राहुल भी रेडी है खाना खाने के लिए. एकदम दबा के खाता है राहुल. स्मून बुलबुल. एंड दिस इज संजय. खाना कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं गाड़ी में. सो वी आर डन विथ आवर ब्रेकफास्ट. सो अभी हम लोग फिर से अपना जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे. तो चलते हैं. अभी ये रहा अपना क्रेटा और अपना ग्रुप. तो बुलबुल और संजू चिप्स वगैरह कुछ ले रहा है और इधर में मून खड़ा है. यह है अपना ब्रिगेडियर राहुल और दिस इज आवर क्रेटा. वो होटल से हम लोग खाया. काफ़ी अच्छा होटल था. फूड भी काफ़ी बढ़िया था. फूड बहुत अच्छा था. हम लोग तंदूरी रोटी भुर्जी और तड़का खाया और चाय इस होटल का काफ़ी बढ़िया चाय था. सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल फ्रेम ऑफ आवर वाइल्ड स्टैलियन राइडर ग्रुप एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड हैप्पी टू स्टार्ट आवर 2024 विद अ शॉर्ट ट्रिप ऑफ 4 days. And we are going to Nameri today. It's about 220 kilometers from Guwahati. So till now we are enjoying our drive. We just had our breakfast and now we are continuing our drive towards Nameri. So enjoy the view of this beautiful roads. तो यहाँ पे अभी फोटो सेशन चल रहा है. और काफ़ी ब्यूटीफुल सा नज़ारा है इधर का. तो यहीं पे हम लोग थोड़े देर रुके. फोटो सेशन हो रहा है. हम लोग सबका भी किया, ग्रुप फोटो भी लिया एक. तो अभी चलेंगे इधर से. तो इधर में थोड़ा चिप्स उप्स खाया जा रहा है. राहुल चिप्स खा रहा है और फोटोज भी चेक हो रहा है कैसा उठा है. और देखिए काफ़ी बढ़िया सा हाईवे है. काफ़ी मज़ा आ रहा है. तो चलते हैं फिर से
अपना जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। तो लेट्स गो, लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो। अभी हम लोग पहुंचे हैं डीमो और इधर में आप लोग देख सकते हैं ओवर ब्रिज का काम हो रहा है। तो ऐसे तीन चार जगह में थोड़ा बहुत भीड़ हम लोगों को मिला, यही लास्ट है, इसके बाद रास्ता क्लियर मिलेगा। तो जा रहा है आराम से हम लोग। अरे बात सब मानो सही भाई, मानो देखो मैं वो जाके पकड़ ये टेंपो जरा पूरा दुखी लग रहा है। लाउड रे प्लीज डायरेक्ट। तो हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं घर के अंदर, आप लोग पीछे का नजारा देख ही सकते हैं। ये है नजारा। ये ट्रिप में काफी एंजॉयमेंट होता है हम लोग का, अच्छा लगता है। ऐसे एक चीज देखोगे दिखाओ तो अभी हम लोग कोलियाबोर चौक पहुंच चुके हैं और इधर से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे टुवर्ड्स तेजपुर और उधर से हम लोग नामेरी जाएंगे। तो नामेरी तो हम लोग पहले कभी गए नहीं, तो अभी जीपीएस लगा के जाते रहेंगे, देखता हूँ कितने देर में पहुँचता हूँ। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड ले लिया है। लोग अभी तेजपुर से 8 किलोमीटर्स सामने है और इधर में कोलिया भोमरा होटल, इधर में हम लोग रुके हैं लंच के लिए। देर बज चुका है घर में, तो अभी इधर में लंच करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है इधर। तो लंच करने के बाद में हम लोग फिर से अपना जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए होटल में खाते हैं। तो ये है कोलिया भोमरा होटल, नया होटल है, अच्छा लग रहा है, देखता हूँ खाना कैसा मिलेगा इधर। और हाईवे का सामने में ही है, उधर में अपना क्रेटा खड़ा है। तो हम लोग यहीं पे बाहर में बैठा है, काफ़ी अच्छा लगेगा इधर में बैठ के। तो अभी हम लोग खाना ऑर्डर कर दिए है, अभी देखते हैं कब तक आएगा खाना। काफ़ी एंजॉय हो रहा है हम लोग का। ए भाई कुछ माँ कौन भी आज ही लगी बोटी ले गई। अपना मटन करी भी आ चुका है, तो अभी खाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो खाते हैं अभी, खाना कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। सो आफ्टर ए वंडरफुल लंच हम लोग अभी फिर से अपना ट्रिप जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और ये है आपका होटल कोलिया भोमरा, काफ़ी अच्छा फूड था और वेरी वेरी रीजनेबल, आप लोगों ने देखा ही था हम लोग क्या क्या खाया। बाद में रसमलाई भी खाया फिनिशिंग में, बट हम लोग का जो बिल हुआ वो ओनली 780 रुपीज़ हुआ। तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया खाना भी था और रेट भी काफ़ी रीजनेबल था। तो अभी चलते हैं नामेरी की तरफ, लेट्स गो।
तो नामेरी जाने के लिए आपको तेजपुर सिटी का जो यूनिवर्सिटी का जो चौक है उधर से आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं बालीपारा, और बालीपारा का जो मेन पॉइंट है उधर से भी हम लोग को स्ट्रेट जाना पड़ेगा। तो चलते हैं और एंजॉय करते हैं अपना ट्रिप। अभी हम लोग नामेरी एंटर कर चुके हैं। अभी रिसोर्ट से कुछ ही दूर हम लोग दूर है, 5 किलोमीटर है, 5.5 किलोमीटर है रिसोर्ट तक। तो अभी रिसोर्ट पहुँचते हैं और रिसोर्ट का एंट्री भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है रास्ता का, दोनों साइड पे खूबसूरत फॉरेस्ट है और इधर में एलिफेंट क्रॉसिंग भी है। और बालीगरा इको कैंप का रास्ता में उतर चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं ये टाइगर रिजर्व है। और हम लोग अभी कंप्लीट ऑफ रोड चल रहे हैं, तो अभी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और दोनों साइड में काफी घना फॉरेस्ट है और डेंस फॉरेस्ट ब्रो, डेंस फॉरेस्ट है और काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बहुत। एंट्री और हम लोग पार्किंग में लगा रहे अपना गाड़ी। सो हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं नामेरी बालीगोरा कैंप, इको कैंप, और काफी अच्छा लग रहा है। और ये रिसोर्ट का कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को दिखेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। सो देखने के लिए साथ में रहिए अपना नेक्स्ट ब्लॉग नामेरी का बालीगोरा इको कैंप। स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल रिसेप्शन ऑफ दिस इको कैंप।